हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज वेज एंड नॉन वेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, आज हम कढ़ी बनाएंगे। इस तरीके से कढ़ी बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस कढ़ी को हम बिना दही के बनाएंगे। अगर आपको दही पसंद है तो आप इसमें दही भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और जान लेते हैं इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक बाउल में 1.5 कप बेसन लिया हुआ है, ये वाला, और ये 1 कप बेसन है। और आगे हम 1 कप बेसन और यूज करेंगे, उसको अभी हम बाद में बताएंगे आपको। और यहाँ पर लेंगे हरा धनिया के कुछ पत्तियाँ, 3 मीडियम साइज के प्याज, 2 पके टमाटर, करी पत्ता, 4 सूखे मिर्च, 9 से 10 कलियाँ लहसुन की लेंगे, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से बारीक काट लेंगे, और 6 से 7 हरी मिर्च लेंगे। अब एक प्लेट में और हम एक जगह लेंगे 4 मीडियम साइज के या तो थोड़े बड़े साइज के प्याज, हरा धनिया की पत्तियाँ और मिर्च लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने 2 जगह प्लेट में अलग अलग रख लिया है सामग्री को, ताकि आप जब भी कढ़ी बनाएं आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और आप बना सकें। तो चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को एक कटोरी में हम ले लेंगे। आगे जितना यूज होगा हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर खड़ा धनिया, सरसों काला वाला, मेथी दाना और जीरा, सभी आधा आधा चम्मच हमने लिया है। 1 चम्मच लेंगे कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, और 2 चम्मच लेंगे यहाँ पर मीट मसाला पाउडर या तो गरम मसाला पाउडर। देखिए फ्रेंड्स, एक प्लेट में जो हमने 4 प्याज लिया हुआ है और कुछ हरी मिर्च है और हरा धनिया है, इनको बारीक बारीक लंबा लंबा स्लाइस कर लेंगे। कढ़ी में डालने के लिए हम पकौड़ी यूज करेंगे बनाकर। अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आगे हम आपको बताएंगे इसकी जगह आप क्या बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने प्याज को लंबा लंबा स्लाइस कर लिया है, हरी मिर्च को भी काट लिया है और हरे धनिया को भी काट लिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसमें नमक ऐड करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि प्याज बहुत अच्छे से पानी छोड़ दे, तो आप बेसन को इसमें फेंट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी बना सकते हैं पानी डाल करके। फ्रेंड, बेसन का यूज आप अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाल देंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, और अगर आपके पास समय हो तो आप हल्दी और नमक डालने के बाद प्याज को 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि प्याज से पानी निकल आए, तो आप उसमें बेसन को आसानी से फेंट सकते हैं। अब हाथों से अच्छे से इसको मैश करेंगे। जो भी बड़े बड़े प्याज हैं इनको इस तरह से हाथों से मसल कर अलग अलग कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे बेसन, जो हमने 1.5 कप बेसन लिया हुआ है, पहले उसको डालेंगे पूरा, और इसको हाथों से अच्छे से सभी में मिक्स करेंगे। जैसे हम बेसन की पकौड़ी बनाते हैं सेम वही है। अब सभी बेसन प्याज को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको अलग से थोड़ा पानी डालकर हम इसका बैटर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पकौड़ियों के लिए हमने बैटर को बनाकर तैयार कर लिया है। 1 गिलास में बस थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, अब इसको रख देते हैं। अब रखेंगे गैस पर कढ़ाई, उसमें डालते हैं ऑयल गर्म होने के लिए। यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम फ्लेम पर कर देंगे, और सारे पकौड़ियों को इस तरह से डालते हुए फ्राई करके निकाल लेंगे, जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं। कुछ देर बाद फ्रेंड देखिए, पकौड़ियाँ एक तरफ से सिक चुकी हैं। अब इनको अलट पलट कर इसी तरह से बनाकर पकौड़ी को निकाल देंगे। इन पकौड़ियों को कढ़ी में भी यूज करेंगे और आप ऐसे भी चाय के साथ इसे खाइए। अब देखिए, इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब सारे पकौड़ियों को इसी तरह से बनाकर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, सारे पकौड़ियों को हमने बना दिया है। अब देखिए, जो हमने आपको बताया था कि 1 कप और हम बेसन का यूज करेंगे, आप पकौड़ी की जगह इसे भी बना सकते हैं। तो देखिए, 1 कप हम बेसन और लेंगे। 240 ml के कप से हमने 3.5 कप बेसन का यूज किया है। अब इसमें हम देखिए डालेंगे 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, सब स्वाद के अनुसार। अब इसको पानी से हम इस तरह से गाढ़ा घोल बनाएंगे। कढ़ी में डालने के लिए अगर आप प्याज की पकौड़ी बनाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। अगर आप पकौड़ी नहीं बना सकते हैं तो इस तरह से आसानी से आप बनाइए, और कढ़ी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इसका बैटर हमने तैयार कर लिया है। अब ऑयल को फिर से गर्म करेंगे। देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब इस पर एक रखेंगे पलटा, जो कि छेद वाला होता है इस तरह का, और इस पे बेसन को रखेंगे घोल को, और हाथों से इस तरह से
दबाते जाएंगे रख करके, तो नीचे से ये लंबा लंबा निकलेगा। अब गैस को कम ही रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, धीरे धीरे इसको फ्राई होने देंगे। और इस तरह से गर्म ऑयल में डालने पर ये आपस में नहीं चिपकते हैं, इस तरह से चम्मच से हम अलग अलग कर देंगे इनको। अब ये फ्राई हो गए हैं, सभी को इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब एक प्लेट में जो हमने टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, इन सभी को बारीक बारीक काट लेंगे। पकौड़ियों को फ्राई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था उसको हमने अलग हटा दिया है, और कुछ ऑयल को हम इसमें रहने देंगे। अब यहाँ यहाँ तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे मेथी दाना, काला सरसों, जीरा और धनिए को, और गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इसका कलर चेंज होने देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भून चुका है, इसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा है और हल्की सी खुशबू भी आ रही है। उसके बाद डालेंगे सभी कटे हुए चीज़ को, जैसे कि प्याज को, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, करी पत्ता और सूखे मिर्च को, सभी को डालकर इसको भूनने देंगे। और हमने यहाँ पर लहसुन को घिस कर डाला है, आप चाहें तो लहसुन अदरक को घिस कर या फिर काट कर भी डाल सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। और जब तक प्याज धीरे धीरे भून रहे हैं, तब तक यहाँ पर कढ़ी बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो सेम उसी बर्तन में घोल बनाइए, या तो फिर आप दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं। तो उसी बर्तन में हमने बेसन को डाल दिया है, और इसमें अब स्वाद के लिए डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच नमक का यूज किया है, और डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पानी डालकर पतला घोल तैयार करना है। फ्रेंड्स, इसमें पानी बहुत अधिक लगते हैं, तो जितना ही पतला करेंगे बाद में ये ठंडा होने पर और भी गाढ़ा हो जाता है। अब इन सबको अच्छे से गुठलियाँ खत्म होने तक इनको घोल लेना है फेंट कर, और पतला इसका घोल तैयार करना है। अभी इसमें कम से कम 2 लीटर पानी लगेंगे। तो इसमें हमने जो मसाला लिया हुआ है, चिकन मीट मसाला, या तो फिर आप गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं, तो आधा इसको हम डाल देंगे और आधे को बचा लेंगे। अब इसको भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पतला सा घोल बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने पानी कम से कम 2 लीटर का यूज किया है इसमें। अब देखिए प्याज भी इधर भून चुके हैं, थोड़ा सा लाइट से हल्का सा डार्क है प्याज। अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर को, कसूरी मेथी को डालेंगे, हींग पाउडर और जो हमने मसाला बचा कर रखा था थोड़ा सा उसे डाल देंगे और मिक्स करेंगे, और टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसे पकाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ढक्कन भी लगा सकते हैं और उसको अच्छे से भून लेंगे। अब टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, मसाले भी भुन गए हैं, देखिए मसाले से तेल अलग हो रहे हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे जो अभी बैटर हमने बनाया है, बेसन का घोल पतला सा तैयार किया है, उसको डालेंगे और गैस को एकदम कम कर देंगे, लो पर कर देंगे, और थोड़ा सा इसको चला लेंगे इस तरह से, और धीरे धीरे डालेंगे। और फ्रेंड्स, इसको डालने के बाद लगातार इसको चलाते रहना है 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि ये बेसन अच्छे से पक ना जाए, इसकी अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। नहीं तो जब ये कच्चे रहेंगे तो आपकी कढ़ी भी खाने में अच्छी नहीं लगेगी, और नहीं चलाएंगे इसको लगातार तो ये कढ़ी फटने का भी डर रहता है। अब गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इसको धीरे धीरे चलाते हुए पका लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जैसे जैसे ये पकते जाएंगे वैसे वैसे ये गाढ़े होते जाएंगे। आपको जितना थिक रखना है उतना ही पानी आप डालें, अगर आपको पतला चाहिए तो आप पानी का ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अब जो भी हमने फ्राई किया है पकौड़ियों को कढ़ी में डालने के लिए उसे डाल देंगे। अब इनको धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाते हैं तो सभी पकौड़ियाँ नीचे तली में चली जाती हैं और ये अच्छी सी खुशबू देने लगती है और कढ़ी भी ठीक हो जाता है। थोड़ा सा धनिया का पत्ती डालेंगे और चलाते हुए इसे पका लेंगे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी को पकाते हुए और लगातार चलाते हुए हमने इसे पकाया है, बीच में छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर हमने 10 से 15 मिनट तक पका लिया है, सभी पकौड़ियाँ नीचे तली में चली गई हैं और कढ़ी भी देखिए गाढ़ा हो गया है, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो ये पूरी तरह से बनकर तैयार है फ्रेंड। अगर कढ़ी बाद में ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप गर्म पानी करके इसमें डाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो भी तुरंत कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।